बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूएसबी की स्पीड को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सपी विंडो में तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन जब विंडो 10, 8 या 7 इंस्टॉल करते हैं तो इसकी स्पीड जो है फाइल ट्रांसफ़र की बहुत कम होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ मेथड हैं जिनको करके आप अपनी यूएसबी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपने जहाँ पर आपका यूएसबी वाला फोल्डर है वहाँ पर आपने इसको फॉर्मेट करना है। राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने NTFS और एलोकेशन यूनिट साइज़ पर आपने 64 किलोबाइट्स सिलेक्ट करना है और इसको अनचेक कर देना है ताकि ये डिटेल से इसको सही तरह से फॉर्मेट करे। अब जैसे ही इसको ये फॉर्मेट करेगा तो एक दो और स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। जब आप इसको यहाँ से चेक हटा देंगे तो ये कम्प्लीटली तौर पर इसको फॉर्मेट करेगा और जितने भी वायरस और एरर्स वगैरह होंगे तो उससे ये यूएसबी क्लीन हो जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये भी कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपने इसको फिर क्लोज़ कर देना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर हार्डवेयर और मेरे पास किंगस्टन की यूएसबी है तो यहाँ पर इसका लिंक शो हो रहा है, इसको आपने डबल क्लिक करके और यहाँ से चेंज सेटिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले टैब में जर्नल है और सेकंड में पॉलिसीज़ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बेटर परफॉर्मेंस पर यहाँ पर आपका चेक होगा और आपने यहाँ पर इसको चेक कर देना है। ये रेडियो बटन पर चेक करेंगे, उसके बाद ओके करने के बाद ये इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पर सर्च में विंडोज़ फीचर के साथ टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ पे क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन होता है जो पार्टीशन के दरमियान स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। जब आप यूएसबी अटैच करते हैं तो ये भी एक तरह की पार्टीशन ही बन जाती है। तो यहाँ पर रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन API सपोर्ट पर आपने इसको चेक लगा होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है। ये मैंने पहले भी हटाया था तो इसलिए यहाँ पर, और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब जो आपने फाइनल स्टेप लेना है उसके लिए जब आप BIOS की सेटिंग में इंटर होंगे, अगर आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उसके शुरू में जो BIOS की सेटिंग होती है F12 या F2 जो भी सेटिंग है आपने BIOS की सेटिंग में इंटर हो जाना है। ये BIOS की सेटिंग का पहला पेज है और ये जो रेड कलर से सिलेक्टेड है इंटीग्रेटेड प्रेफरल्स, यहाँ पर आपने इंटर हो जाना है। और जो सेकंड पेज है इसको मैं जूम करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप ऑन बोर्ड डिवाइसेस पर यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसके अंदर इंटर हो जाना है। तो उसके बाद जो एक पेज आएगा यहाँ पर आप देखें कि ये USB 2.0 कंट्रोलर है, अगर ये आपका अनेबल ना हो तो आपने इसको अनेबल कर देना है। जब आप इसको अनेबल कर देंगे तो आपका फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी अब स्पीड देखते हैं यूएसबी की। इसमें भी दो बातें होती हैं कि एक कंप्यूटर से जब आप यूएसबी की तरफ फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसका भी रेट होता है, और जो यूएसबी में अगर आपकी कोई फाइल्स हैं जब वो आप कंप्यूटर की तरफ सेंड करते हैं तो उसका रेट अलग-अलग होता है। मैं इस वीडियोज़ के फोल्डर को कॉपी करता हूँ और USB के फोल्डर में इसको पेस्ट करता हूँ।
अब आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड में बहुत इजाफा हुआ है। अब ये इसको जब कंप्लीट कर लेगा तो यूएसबी से हम कंप्यूटर की तरफ फाइल सेंड करके देखेंगे और फिर इसकी स्पीड रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं इस वीडियो वाले फोल्डर को कंप्यूटर की तरफ सेंड करके देखता हूँ। ये फोल्डर यूएसबी में है और मैं इसको कंप्यूटर की तरफ सेंड करके देखता हूँ कि इसकी स्पीड में कितना इजाफा हुआ है। यहाँ डेस्कटॉप पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं 23 या 22 पर सेकंड के एमबी के हिसाब से ये ट्रांसफ़र रेट इसका है। इसके अलावा यूएसबी की स्पीड एक और वजह से भी कम हो सकती है। जब आप अपने लैपटॉप या पीसी के साथ इसको अटैच करते हैं तो उसे सही तरीके से अटैच किया करें, क्योंकि अगर ये सही तरह से अटैच ना हो तो भी इसकी स्पीड कम होती है। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको लगाना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी इसको नहीं लगाना चाहिए ताकि इसकी स्पीड जो है वो ठीक तरह से हो। ये वो तमाम सेटिंग्स थी जो यूएसबी की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर इनके बावजूद भी आपकी यूएसबी की फाइल ट्रांसफ़र स्पीड ना बढ़े तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपका सिस्टम ओल्ड हो, उसका हार्डवेयर, रैम या प्रोसेसर जो है वो कम साइज़ का हो, तो आप उसको अपग्रेड करके भी इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।